अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। हरे कृष्ण। आज हम भगवद्गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। आज वाला श्लोक जो है इसमें तो भगवान क्या कह रहे हैं उसको चर्चा करने से पहले हम पिछले श्लोक में देखेंगे कि भगवान कह रहे थे कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम, कि जो देवताओं से देवी देवताओं से जो फल मिलते हैं वो अंतवत्तु अर्थात नाशवान होते हैं, और तद्भवत्य अल्पमेधसाम जो अल्पमेधसाम अर्थात कम बुद्धि वाले लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, और देवानदेवी जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, और देवी देवताओं के भक्त देवी देवताओं के पास जाते हैं, मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। अर्थात पिछले श्लोक के माध्यम से भगवान निराकार खंडन भी कर रहे थे, ये बता रहे थे कि मैं निराकार नहीं हूँ, देवी देवताओं के भक्त देवी देवता के पास जाते हैं, मेरे भक्त मेरे पास आते हैं, निराकार में लीन नहीं होते कहीं, ये भगवान क्लियरली बता रहे थे। ये जो दो श्लोक हैं 9.11 और 7.24 अर्थात अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, ये जो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तन्मानुष्यम, इन दो श्लोकों के द्वारा ये भगवान के दो श्लोक मायावाद का पूर्ण रूप से खंडन कर रहे हैं, पूरा कटता है इससे मायावाद ये दो श्लोकों से। ये दो श्लोक तो इसलिए हमें कंठस्थ होने ही चाहिए, किसी भी मायावादी से मिले अगर वो ज़्यादा फिलोसफी झाड़े सीधा दो श्लोक हमें उसको बताने कि भाई भगवान ही जब कह रहे हैं कि तुम्हारा मायावाद गलत है, तुम मुझे निराकार मान रहे हो, ये सब गलत फिलोसफी है, तो फिर तुम किस खेत को मूली हो, जब भगवान ही कह रहे हैं तुम भगवान की बात क्यों नहीं मान रहे। और आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, कहने का अर्थ ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं पहले, मायावादी ऐसा कहते हैं कि भगवान पहले अव्यक्त थे मतलब निराकार थे, व्यक्तिमापन्नम, और अब वो व्यक्त व्यक्ति बन गए हैं, अब उन्होंने एक रूप धारण कर लिया है, पहले निराकार थे। लेकिन वैष्णव कहते हैं कि नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, भगवान पहले अप्रकट थे, अब प्रकट हुए हैं कृपा करके, संसार के लोगों को दर्शन दे के अपनी लीला दिखाकर उनका उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो मायावादी लोग गलत लेते हैं कि देखो भगवान तो पहले निराकार थे, अब आकार ले लिया इन्होंने, खुद अभी भगवान खुद ही माया में आ गए हैं, उल्टी सीधी ऊट पटांग फिलॉसफी है जैसे कि मायावादियों की। एक्चुअली सनत कुमार संहिता में अव्यक्त का अर्थ लिखा है कि जो जो भौतिक इंद्रियों से दिखाई ना दे, भौतिक आँखों से जो उसको देख नहीं सकते उसको कहते हैं अव्यक्त, उसको कहते हैं अप्रकट, जो भौतिक आँखों से नहीं देख सकते। लेकिन मायावादी श्लोक इन वर्डिंग्स का गलत अपना इंटरप्रिटेशन करके लोगों को कन्फ्यूज़ और भ्रमित करते हैं। मायावादी एक अर्थ है जो आत्मा परमात्मा को एक समझते हैं, जो कहते हैं हम ही भगवान हैं, हम निराकार में लीन हो जाएंगे मरने के बाद, ऐसे उल्टे सीधे जो सिद्धांत होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है मायावाद सिद्धांत की। और वो कहते हैं कि मन्यन्ते माम अबुद्धया, वे मुझे मानते हैं ऐसा सोचते हैं, माम मुझे अबुद्धया, वो ऐसा समझते हैं कि मैं पहले अव्यक्त था और फिर मैं व्यक्त हो गया, उल्टा सीधा इस तरह का सिद्धांत है। लेकिन माम अबुद्धया, वो ऐसा मुझे क्यों समझते हैं, क्योंकि अबुद्धया अर्थात वो कम बुद्धि वाले नहीं है ये, एक तो होते हैं कम बुद्धि वाले जैसा कि भगवान ने पिछले श्लोक में चर्चा की अल्पमेधसाम, अब इस श्लोक में कम बुद्धि वालों की चर्चा नहीं की जा रही, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अबुद्धया, मायावादियों को अबुद्धया कहा जा रहा है, क्यों, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि जो देवी देवता के उपासक है वो तो अल्पमेधसाम कम बुद्धि वाले थे, लेकिन जो अब ये मायावादी हैं ये माम अबुद्धया, इनमें तो बुद्धि नहीं है, ये तो खाली दिमाग है इनका, बिल्कुल पागल लोग हैं, निराकारवादी देवी देवताओं के उपासक से भी करोड़ों गुना ज़्यादा घातक है, खतरनाक है, ये भगवान बता रहे हैं यहाँ से। एक्चुअली पिछले श्लोकों में तो भगवान ने चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृति अर्जुन, चार प्रकार के लोग बताए, दुष्कृति सुकृति जन, फिर उसके बाद देवी देवताओं के उपासकों की चर्चा की। अब इस श्लोक से भगवान बता रहे हैं कि ये तीसरी कैटेगरी के लोग भी होते हैं, पहले श्लोकों में तो भगवान प्योर डिवोटी के बारे में बता रहे थे, मनुष्यानाम सहस्त्रेशु इत्यादि, फिर भगवान ने देवी देवताओं के उपासकों की चर्चा की, अब यहाँ से भगवान निराकारवादी अर्थात मायावादियों की चर्चा कर रहे हैं, उनका खंडन करते हुए उनको बता रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो जो कर रहे हो, और फिर भगवान कह रहे हैं कि परम भावम अजानंतो, कि ये जो मायावादी हैं ये मेरे परम भाव को नहीं जानते। परम भाव क्या है, अर्थात मैं स्पिरिचुअली एग्जिस्ट करता हूँ, मेरी सत्ता है, मैं कोई निराकार नहीं हूँ, लेकिन मैं इन थ्री मोड्स ऑफ नेचर सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हूँ,
मेरे इस सत्ता को वो नहीं समझ पाते, मेरी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को। मैं दिव्य रूप में अपने गोलोक वैकुंठ में विराजमान रहता हूँ, वो इसको नहीं समझ पाते। और दूसरा मतलब है इसका कि वे मेरे नाम रूप, नाम से जो रूप गुण लीला इत्यादि प्रकट होती हैं वो नहीं समझ पाते। और तीसरा मतलब इसका ये भी हम ले सकते हैं कि परम भावम अजानंतो, कि वे मेरे परम भाव को नहीं समझ पाते, अर्थात वो ये नहीं समझ पाते कि मेरे में इमोशंस हैं, मैं इमोशन लेस नहीं हूँ, मैं निराकार नहीं हूँ, मेरे को निराकार घोषित कर दिया, मेरे हाथ पांव काट दिए हैं। एक्चुअली मायावादी सबसे बड़े अपराधी हैं, क्यों? क्योंकि वो भगवान के हाथ पांव काट देते हैं। भगवान को निराकार कहना का अर्थ है कि भगवान के हाथ पांव काट देना। इसलिए मायावादियों से खतरनाक और नर्क जाने के योग्य और कोई नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने भी क्या कहा था कि मायावाद भाष्य सुनी ले होइल सर्वनाश, जो मायावाद भाष्य सुनेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो नर्क जाएगा और कुछ नहीं है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि ममा अव्ययम अनुत्तमम, कि वे मेरे इस अनश्वर और सर्वश्रेष्ठ मेरे इस रूप को नहीं समझ पाते, और वे नहीं समझ पाते कि मैं कभी भी नष्ट नहीं होता, अव्ययम, और मेरे रूप गुण लीला इत्यादि भी कभी भी नष्ट नहीं होते। वो भी जिस तरह से मैं सदैव रहता हूँ, सनातन हूँ, नित्य रहता हूँ, उसी तरह से वो भी मेरे जो रूप गुण लीला वो भी कभी खत्म नहीं होते। और जिस तरह से मैं असीमित हूँ, उसी तरह से मेरे रूप गुण लीला इत्यादि भी असीमित हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार, एक समय ऐसा आएगा कि जब हम स्मरण कर करके सारे रूप गुण लीला का स्मरण कर चुके होंगे और वो खत्म हो जाएंगे। नहीं, भगवान का एक नाम ब्रह्म भी है। ब्रह्म का अर्थ होता है कि जो सदैव बढ़ता ही चला जाता है। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि सदैव बढ़ते ही चले जाते हैं, लेकिन मायावादी भगवान को सीमा में रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत सिद्धांत है। और फिर भगवान कह रहे हैं अनुत्तमम, अनुत्तमम का अर्थ है कि सर्वश्रेष्ठ, या इंग्लिश में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं फाइनेस्ट, या दूसरे शब्दों में कि भगवान के रूप का चिंतन करने से, रूप गुण लीला इत्यादि का चिंतन करने से मोक्ष मिल जाता है। कहने का अर्थ ये है क्योंकि भगवान के रूप गुण लीला इत्यादि प्रकृति के तीन गुणों से परे हैं, इसलिए भगवान का एक नाम अनुत्तमम है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। अब इसका तात्पर्य जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा तात्पर्य है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की।